हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोही पानलोई गांव में एक दर्जन बैलगाड़ियों पर निकाली श्री प्रभु सांवरिया सेठ की शोभा यात्रा। राजसमंद पांडोलाई गांव में ग्रामीणों द्वारा एक दर्जन बैलगाड़ियों से प्रभु श्री सांवरिया सेठ की जयकारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पांडोलाई के ग्रामीण रमेश चंद्र कुमावत ने बताया कि शोभा यात्रा पीपली आचार्या के सांवरिया सेठ मंदिर से जयकारे के साथ रवाना हुई। सांवरिया सेठ के बेवान को आगे की तरफ बैलगाड़ी पर सजाया गया, जिसमें प्रभु को विराजित किया गया। शोभा यात्रा में एक दर्जन बैलगाड़ियों के बेलों को सुसज्जित किया गया। साथ ही धार्मिक भजनों पर श्रद्धालु थिरकते हुए चल रहे थे और महिलाएं गीत गाती हुई जा रही थी। प्रभु श्री सांवरिया सेठ का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा 3 किलोमीटर दूर पांडालई गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की, पूजा अर्चना की। बाद में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें सांवरिया सेठ के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में कन्हैया लाल, भरत रमेश चंद्र, मांगीलाल, भेरूलाल, शंकर लाल, मणिराम अम्बालाल, लहरी लाल, पारसमल, किशन लाल, गोविंद लाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।